खुद ही मुजरिम, खुद ही जज और खुद ही गवाह बनेंगे आज आप विधानसभा के अंदर। आज आप विधानसभा में खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करोगे। जो कानून भी जनता के बीच बैठकर बनाने का वादा करते थे, आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जनता के बीच कुछ बोलना नहीं चाहते। मैं आपकी हर चाल को जानता हूँ। लेकिन आज केजरीवाल बोलेंगे, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में बोलेंगे। लेकिन क्या 2 करोड़ रिश्वत लेने के आरोपों पर बोलेंगे? आपने छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है। क्या खुद की ईमानदारी पर लगे दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए बोलेंगे? लेकिन अगर बोलेंगे भी तो विशेष सत्र केजरीवाल के हित के लिए है या जनहित के लिए? तो अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाले दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के नाम एक खुला खत लिखा है और ओपन चैलेंज भी दिया। केजरीवाल को चैलेंज करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि वो इस्तीफा देकर उनसे चुनाव लड़े। कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल ने छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह तैयार किया जिससे वो भेदने जा रहे हैं। चिट्ठी में कपिल मिश्रा ने कहा कि आज विधानसभा के विशेष सत्र में केजरीवाल खुद ही जज और खुद ही गवाह बन जाएंगे, अपने लिए तालियां बजवाएंगे। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को चुनौती दी कि दोनों अपनी अपनी विधानसभा सीटों से इस्तीफा देकर उनके खिलाफ किसी भी सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं और जीत कर दिखाएं। कपिल मिश्रा ने कहा कि जिनसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना सीखा उन्हीं के खिलाफ वो आज FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। पता है आज आप विधानसभा में खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करोगे, अपने ही विधायकों से तालियां बजवाएंगे, खुद ही मुजरिम, खुद ही जज और खुद ही गवाह बनेंगे आज आप विधानसभा के अंदर। मुझे ये बात मालूम है। खुद के लिए तालियों और मेरे लिए गालियों के बीच बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपकी हर चाल को जानता हूँ, पहचानता हूँ। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूँ। CBI को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है आज सब बताऊंगा। वो घर आपका है, उस घर के मुलाजिम आपके हैं, उस घर का सारा सिस्टम आपका है, सारे गवाह आपके हैं, सारे लोग आपके हैं। लेकिन मैं फिर भी ये भरोसा दे रहा हूँ, आपसे सीखा है, यथाशक्ति लड़ूंगा। या तो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करूंगा या फिर अभिमन्यु की तरह घेर कर मार दिया जाऊंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता आज आपके अंदर बची है, अगर थोड़ा सा भी भरोसा है आपको अपने आप पर, तो मेरी एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मेरी करावल नगर की सीट या आपकी नई दिल्ली की सीट, सीट आप चुन लें। मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी चुनाव के मैदान में आ जाइए। सीट आपकी मर्जी की। आपके पास पैसे की ताकत है, लोगों की पूरी टीम है और मैं अकेला हूं। आइए लड़ते हैं चुनाव। है आप में हिम्मत जनता का सामना करने की? आपको पता है कि अगर उस दिन सुबह मैंने ACB को पत्र नहीं लिखा होता तो आप मुझे आनन फानन में नहीं हटाते। यह बात आपने कई PAC के साथियों को बताई भी और उन साथियों ने मुझे फोन करके बताया। अरविंद जी, आज मैं अकेला हूँ, सब कुछ मिटा देने के कगार पर हूँ, पर अड़ा हूँ और डटा हूँ। आपकी सारी ताकत, सारी सरकार, सारा पैसा, सारे लोग एक तरफ और मैं अकेला। आशीर्वाद दीजिए। तो इस खबर पर अपडेट देने के लिए जी मीडिया के रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं, प्रमोद शर्मा CBI दफ्तर से इस वक्त हैं और साथ ही अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से मेरे सहयोगी पवन नारा भी हैं। पूरी तकनीकी विश्वसनीयता, गवाहों और एक्सपर्ट की राय के साथ एक एक खबर की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पवन, अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात कहते हुए कपिल मिश्रा दिखे, कृपया मेरी चुनौती स्वीकार कर लीजिए। अब क्या यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इन तमाम चुनौतियों में से बेहद गंभीर आरोपों के साथ कोई बात अपनी सामने रखते हैं या एक बार फिर से ठीक उसी तरह से चुप्पी साध लेते हैं जैसा कि पिछले 3 दिन रही? जी बिल्कुल, एक बात जो कपिल मिश्रा ने कही जो गौर करने लायक है कि मैं आपकी हर ट्रिक जानता हूं और
आपको वो याद करना होगा, चुनाव से पहले उन्होंने शीला दीक्षित को चुनौती दी थी और कहा था जहां से आप लड़े मैं लड़ूंगा। ठीक उसी अंदाज में कपिल मिश्रा ने करावल नगर और नई दिल्ली दोनों जगहों से अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है। हालांकि कल कपिल मिश्रा ने स्पष्ट कहा था कि अरविंद केजरीवाल कुर्सी से मोह रखते हैं और वो इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि पब्लिक डोमेन में यानी जनता के बीच फैसले लेने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल को कपिल मिश्रा वापस जनता के बीच लेकर आना चाहते हैं ताकि कोई बहस हो, कोई डिस्कोर्स हो, पब्लिक डिस्कशन हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखने के लिए विधानसभा सत्र का मंच चुना है जहां उनके पास विशेषाधिकार का कवच होगा और इसके अलावा उनके ऊपर कोई सवाल काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाएगा कोई। और इसी को लेकर ये भी कहा कपिल मिश्रा ने कि आप अपने लिए खूब तालियां आज बजवाने वाले हैं जब आज आपने विशेष सत्र बुलवाया है और शायद वो सफाई सत्र ज्यादा साबित